हेलो फ्रेंड, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। मकर संक्रांति के अवसर पर आज मैं शेयर कर रही हूँ तिल के लड्डू की रेसिपी। ये क्रिस्पी होते हैं और खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गुड़, 1/4 कप मूंगफली, 1 कप तिल और 1 छोटा चम्मच घी। सबसे पहले एक पैन को गर्म कर लें। इसमें हमें मूंगफली को सेक लेना है। इस पर थोड़ा ब्लैक स्पॉट्स अपीयर होने तक हम इसे सेक लेंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, इससे ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये अब भुन चुके हैं, इसे एक प्लेट पर निकाल लें। जब ये ठंडे हो जाएं तो इसके छिलके को अलग कर लें और इसे ऐसे स्प्लिट कर लें। अब सेम पैन में मैं तिल को भून रही हूँ। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना चालू नहीं हो जाता। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है हम इसे निकाल लेंगे। अब 1 छोटा चम्मच घी ऐड करें। इसमें गुड़ डाल दें। अब इसे मेल्ट होने दें। लगातार चलाते हुए इसे पकाएं वरना गुड़ जल सकता है। गैस की फ्लेम को लो रखना है। अब गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें जैसे ही झाग बनने स्टार्ट होते हैं वैसे ही हम इसकी एक बूंद को पानी में डालकर चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सॉफ्ट एंड स्ट्रेची है। बस हमें इतना ही पकाना है इसे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें। इसमें मूंगफली और तेल ऐड कर दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कढ़ाई गर्म है तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, इसमें मैंने पहले से ही थोड़ा सा घी लगा के रख दिया था। इसी में मैं अब इस मिक्सचर को डाल दूंगी। ये मिश्रण काफ़ी गर्म है तो इसे स्पून की सहायता से छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लें। इस मिश्रण को बहुत ज़्यादा ठंडा होने ना दें। अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इससे लड्डू नहीं बन पाएगा। जब ये हल्का गर्म रहे तभी इससे लड्डू बनाने की कोशिश करें। अब हाथों पर थोड़ा घी लगा लें और जब ये मिक्सचर इतना गर्म रह जाए कि आप इसे हाथों से अच्छे से रोल कर सकते हैं, तब इस पोर्शन को हाथ में लेकर के अच्छे से रोल कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप हाथों पे थोड़ा पानी लगाते हुए भी इसे बना सकते हैं। ये हमारा लड्डू बनके तैयार है। बस इसी तरह से हमें बाकी के भी लड्डू रेडी कर लेने हैं। इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख कर महीने भर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।